तो दोस्तों मैं लाइव आ चुका हूँ और जो जो दोस्त हमें सुन पाएंगे उसे कृपया मुझे यहाँ पे चैट करके बता दीजिए ताकि ये पता लग सके भी आप लोग जो है लाइव आ चुके हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लाइव चल रहा है और उसमें चेक करते हैं कि हमारा अभी लाइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मुझे चैट करके बता सकते हैं। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मैंने एक्चुअली में टेस्टिंग मोड थी। हमारे पास यहाँ पे एक स्पाइडो का एक कैमरा है, उसके थ्रू लाइव करने की कोशिश की थी। न्यू स्ट्रीम फॉर प्रीवियस, चेक कर लेते हैं यहाँ पे लाइव में मेरे पास आ रहा होगा स्टूडियो में जाके, वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ भी, मैं एक्चुअली में टेस्ट कर रहा था इस कैमरे से, पहले तो हो गया बट आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी। मुझे तो ठीक लग रही थी लेकिन अब यहाँ नया मैंने कमरा बनाया है जिससे जो है लाइव कर रहा हूँ मैं। और अभी हमने जो है कल ही एक वीडियो जो है पोस्ट की है आपको किड्स वाली, जिस जो इस कमरे में हमने बनाई थी। तो आप लोग अगर लाइव आ चुके हैं तो हेलो करके मुझे बता सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ भी कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं जो लाइव आ चुके हैं, उनके साथ हम बात करेंगे भी। चेक करते हैं ज़रा। मेरा तो लैपटॉप ही स्लो हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइव हो चुका है और मैं इसको चेक कर लेता हूँ चैट बॉक्स को भी, कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं जो लाइव आ चुके हैं उनसे हम डायरेक्टली बात करेंगे यहाँ पे, और कुछ कमेंट्स हैं जिसके बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास गुरप्रीत नाथ जी ओके है, हम जी हेलो ओके है, हेलो सर, प्रिंस हुकूमतपुर जी आ गए हैं, गुरप्रीत नाथ जी ओके है। हमारा साउंड कैसा आ रहा है आपको कृपया हमें बताइए कमेंट करके, कैमरा थोड़ा ठीक ही है इस तरह से ओके है, बिल्कुल ठीक है। अब तो मैंने क्या किया, एक कमरा जो है हमारे शॉप के नीचे एक रूम था जिसे जो है अभी पहले इसमें स्टोर था, यहाँ अभी बना रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, पर्दे वगैरह लगाए हैं, अभी टेबल रखा है और थोड़ा टाइम मिल जाता है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, ताकि जो है और कोई अगर ऑफिस बनाया है जैसे कोई आ जाए जिससे हम बैठ के बात कर सकें। तो आज यहाँ पे हम लाइव कर रहे हैं और आपसे बात करेंगे सीसीटीवी से रिलेटेड। अगर आपके कुछ सवाल हैं सीसीटीवी से रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसके जवाब हम आपको देंगे। और कुछ अगर आपके पास कुछ अच्छे अच्छे सुजेशंस हैं तो वो आप यहाँ चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिलहाल तो हम इंडस्ट्री के बारे में सारी बात करेंगे और जो जो आपको लगे भी सीसीटीवी से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं या उसके बारे में यहाँ चैट बॉक्स में जो लोग जान पाएँ वो सब जो है जानेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको रूम के बारे में भी थोड़ा सा बीच में बताऊंगा, 5-10 मिनट हम पहले आप थोड़ा देख लेते हैं, सब लोगों को आने देते हैं 15-15 मिनट में जो है, फिर एक थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा और बात करेंगे हम आज सीसीटीवी से रिलेटेड। कुछ कमेंट्स हमारे पास हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर इस चैट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे आज। तो आज जो लोग ऑनलाइन हैं अभी, गुरप्रीत नार ओके है, ये मतलब ऑनलाइन है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, सत श्री अकाल, आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। उसके बाद हरप्रीत सिंह जी ऑनलाइन आए हैं, विनीत शर्मा जी बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं और सबसे पहले हमारे जो है सब्सक्राइबर में से एक हैं और बहुत पहले से जो है हमारी इनसे बातचीत है।
और एक हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम जब अब जैसे मान लो यूट्यूब चैनल है हमारे पास कुछ क्वेरीज आती हैं सीसीटीवी के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं वो क्वेरीज जो है शेयर कर देंगे जिस जिस एरिया में जो जो पर्सन होगा। कृपया अगर आप में से भी कोई डीलर है या कोई ऑर्डर चाहता है तो आप हमारे पास क्वेरी दे सकते हैं, हम उस क्वेरी को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और नज़दीकी डीलर अच्छे डीलर से आपका कॉन्टैक्ट कराएंगे, और जो डीलर हैं वो हमारे को अपनी डिटेल ज़रूर सेंड करें, हमारे को मैसेज ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे चैनल की लिस्ट में मतलब है, हमारी वेबसाइट है nninfotech.in, वहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। इस तरह से हम एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स हमारे पास 3-4 आए और हमने जो है शेयर किए हैं अभी तक, और उनमें से 2-3 तो फुलफिल हो चुके हैं और बाकी एक अभी चल रहा है बातचीत। तो इस तरह से जो एक बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा इंडिया में, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो आप सब जो है हमारे को अपनी डिटेल्स जरूर शेयर कीजिए मोबाइल पे। बाकी सिमरनप्रीत जी हेलो करते हैं, मैं भी उनका शुक्रिया करता हूँ, आप लाइव आए हैं। प्रिंस हुकूमतपुर जी लाइव आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। बाकी और जो जो लोग जो ऑनलाइन आए हैं या अभी आने वाले हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं, 7 लोग अभी ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ये जो एक आईपी कैमरा है ये स्पाइडो कंपनी का है, ये एक्चुअली में बॉम्बे का है, हमारे एक इंपोर्टर हैं उनकी स्पाइडो कंपनी है, ये पहले सीसीटीवी और धोबा बेचते थे, अब जो है इनका खुद की मैनुफैक्चरिंग है और ये OEM प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे मान लो ये बिना नाम से आते हैं। तो काफ़ी कम रेट पे जो है ये कैमरेज अवेलेबल हैं, और ये कैमरा 3 मेगापिक्सल का है, इनबिल्ट ऑडियो और अच्छी इसकी ऑडियो क्वालिटी है। आपने सुना होगा जो पिछला लाइव अभी हो रहा था वो इसी से कर रहा था मैं, बट अभी यहाँ थोड़ा मेरी शॉप का नेटवर्क जो है अभी लैंड केबल जो है मैंने इसमें लगा दी है डायरेक्ट कैमरे में, तो लैपटॉप मेरा वाईफाई पे था, मोबाइल भी वाईफाई पे है, तो शायद जो है स्ट्रीमिंग अच्छे से हो नहीं पाई, ऑडियो की कुछ सेटिंग्स थी वो नहीं हो पाई। मैं चाहता था कि माइक जो है लैपटॉप पे चला लूँ या इसका माइक टेस्ट कर रहे थे, वो नहीं हो पाया। और हाँ जी बिल्कुल जी, गुरप्रीत जी कह रहे हैं अभी लास्ट संडे लाइव नहीं हो पाया था, तो हमारे कुछ फंक्शन था इसलिए वहाँ पे गए हुए थे तो टाइम नहीं मिल पाया, काफ़ी लेट रहा संडे मतलब घर आने के लिए, तो इसलिए लाइव नहीं हो पाए, कुछ प्रोग्राम था हमारा इसलिए मतलब जो है नहीं हो पाए लाइव। और उसके बाद अगर आप में से कोई सीसीटीवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कोई जानकारी लेना चाहता है किसी टॉपिक के रिलेटेड में, तो उसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। बाकी स्पाइडो के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये एक हमारी इंडियन ब्रांड है और बेसिकली ये चाइनीज़ कैमरे को जो है मार्केट में बेचती है, इसमें हमारे पास वाईफाई कैमरे भी हैं सभी जो चाइनीज़ हैं, और साथ में अब हमारे पास आईपी है, आईपी के सभी XMEYE जो DVR आते हैं वो DVR जो है इनके, और वारंटी में मिल जाते हैं और कंपनी की सर्विसेज मिल जाती है। इसमें एनालॉग भी हैं, 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 3 4 5 मेगापिक्सल तक एनालॉग भी हैं, और आईपी में भी लगभग 5 मेगापिक्सल तक अवेलेबल है, और आईपी में तो जितने भी डोम कैमरे हैं सब में इनबिल्ट माइक है और आउटडोर वो ये है, बाकी वेरीफोकल भी हैं। इनके कुछ वाईफाई कैमरे भी आते हैं जैसे PTZ कैमरा जो मैंने जिसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल रखी है, वो भी यहीं से हम मंगवाते हैं, बॉम्बे के हमारे इंपोर्टर हैं। अगर आप मतलब सारी एक्सेसरीज जो है ये हमारे सप्लायर हैं बहुत अच्छे। तो इस तरह से मैंने आपको स्पाइडो के बारे में बताया, और स्पाइडो के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारे पास अवेलेबल। तो इस तरह से मैंने आपको बताया स्पाइडो के बारे में, और स्पाइडो के नाम से जो है जितने भी हमारे पास एनालॉग HD और IP कैमरे आते हैं वो सब जो है हम फुल फ्लैज जो है कर रहे हैं। और उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स जो है आज ले लेता हूं, ताकि देखते हैं जिनके सवाल हम चैट में नहीं दे पाए सही ढंग से, या हो सकता है भी कुछ लिखने में मतलब जो ऐसा होता है कई बार मतलब नहीं एक आंसर दे पाते, तो उसको जो है अभी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप में से भी हो सकता है कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और उनके जवाब जो है आपको यहाँ पे लाइव मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक मतलब परसों ही एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था भी RJ45 कनेक्टर में कौन से नंबर पर वायर लगाने की सिंपल स्विच लगाने होगा, तो जैसा आपने वीडियो तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक IP कैमरा लगाया हुआ है, तो इसमें क्या है जैसे मान लो
हमने ये पावर जो है अलग से एक BNCDC देख रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो वायर है इसमें आप देख रहे हैं लैन केबल में 8 तारे होती हैं, और मतलब पहले हम भी काफ़ी कंफ्यूज थे जब शुरू शुरू में हम नेटवर्किंग सीखते थे या हम बाज़ार में जो है मार्केट में हमने ट्रेनिंग की थी, तो हमारे जो मतलब हमारे टीचर थे वो हमारे को समझाते थे मतलब किस तरह से इसके मतलब पेयरिंग की जाती है, कौन से स्टैंडर्ड होते हैं कॉम्पिटी या क्या मतलब जो स्टैंडर्ड बनाती है कुछ, मतलब ये जो कनेक्टर हैं किस तरह से लगाते हैं, सब चीज़ें थी। और ये जो कनेक्टर है इसमें कलर कोडिंग आती है, इसके दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो वाइट ऑफ ग्रीन से शुरू होता है और एक वाइट ऑफ ऑरेंज से शुरू होता है, तो वो ए और बी कहलाता है। तो बात आ रही है अभी आखिर इसमें 8 तारे होती हैं, और कई बार आप देखते होंगे ये जो RJ45 का जो फीमेल कनेक्टर है यहाँ पे सिर्फ 4 ही पिन होती हैं अंदर, और हमें पता लगा अभी जिस तरह से अगर 4 ही पिन है तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो उसमें पॉइंट थे 1, 2, 3 और 6 पॉइंट, यानी कि 1, 2, 3 नंबर और 6 नंबर की जो वायर है जो RJ45 में सिर्फ वही यूज़ होती है, 2 RX 2 TX मतलब 2 सेंड के लिए 2 रिसीव करने के लिए, तो बाकी की 4 और 5 नंबर की जो तार है और 7 और 8 नंबर की तार है वो किस लिए यूज़ हो रही है और उसका क्या हम फ़ायदा ले सकते हैं अगर उसे हम ना यूज़ करें। तो 2 तरीके से हमारे को ये फ़ायदा दे सकती है, एक तो ये भी मान लो ये RJ45 कनेक्टर जो है ये सिर्फ 4 ही तारें यूज़ करेगा तो वो हम यूज़ करेंगे और बाकी की जो 4 तारे हैं उसमें एक और RJ45 कनेक्टर लगा सकते हैं, बट दोनों साइड हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि 2 RJ45 उधर करने पड़ेंगे, 2 RJ45 इधर, तो एक वायर से हम जो है 2 डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट ये है भी अगर मान लो हमारे पास एक कैमरा है जो POE नहीं है, यानी कि उसको जो है DC पिन से ही पावर चाहिए, तो बात आ रही है भी अगर हमने लैन केबल डाली और कैमरा हमने IP लगाना है तो हम जो ये इसकी जो वायर है 4 और 5 नंबर और 7 और 8 नंबर की उसे हम यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए, चाहे तो हम 7 और 8 नंबर को ही यूज़ करें, लेकिन इसमें दिक्कत है थोड़ा सा परेशानी होती है रख रखाव की मेंटेनेंस की, तो प्रॉपरली अगर हम इसको टेप करें और प्रॉपरली इसके सॉकेट जो है RJ45 वगैरह लगाएं तो इसे हम जो है पावर जो है इस तरह से भी दे सकते हैं। और हमने कई जगह ऐसा किया, जैसे छोटी लोकेशन है जहाँ पे हमने जो है POE स्विच ना लगा के, क्योंकि कई कैमरे जो 2MP के आते थे पहले C+ के धोवा के वो विदाउट POE होते थे और उन्हें चलाने के लिए अलग से पावर की वायर लगाने से अच्छा था तो हम इसी में से जो है एक पेयर निकाल के जो है पावर यूज़ कर लेते थे। फिर एक जगह पे हमारे को ऐसा हुआ, एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे हमें कम से कम 50-60 मीटर दूर कैमरा लगाना पड़ा, तो वहाँ पे हमें दिक्कत आई भी कैमरे को जो है पावर पूरी नहीं मिल पा रही थी, तो इवन हमारे को क्या करना पड़ा 4, 5 और 7 नंबर की 4 थी, यानी कि 3 तारों को पॉजिटिव करना पड़ा और 8वीं तार को नेगेटिव करना पड़ा, तो इस तरह से जो है हमने मतलब वहाँ पे किया। और फिर धीरे धीरे हमारे को पता लगा इस तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और फिर POE स्विच के लिए हमने कस्टमर को कन्विंस करना शुरू कर दिया, और POE स्विच अब मार्केट में बहुत सस्ते आ चुके हैं, इतने सस्ते आ चुके हैं जैसे अगर मान लो पावर सप्लाई अगर हम लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट के बराबर जो है POE स्विच आ चुके हैं, तो फिर हम POE स्विच ही लगाते हैं। और अगर मान लो कोई कैमरा ऐसा है जिसमें POE नहीं है मतलब पावर ओवर इथरनेट नहीं है तो हम POE सप्लीटर आता है जो मतलब यहाँ हम लगाएंगे फीमेल और आगे जो है DC पिन को अलग से वो कर देगा जिससे हमारा कैमरा IP जो है चल पड़ेगा, तो इस तरह से जो है अब काम चलता है और मार्केट में जो है अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास अंशुल वर्मा जी का एक क्वेश्चन है, सर क्रोम ब्राउज़र पर DVR व्यू नहीं हो पा रहा है, लोकल IP डाल कर एरर कुछ ऐसा आ रहा है, दिस प्लगइन इज़ नॉट सपोर्टेड। तो अंशुल वर्मा जी को मैं ये बताना चाहूँगा भी जो लोकल DVR है या लोकल IP, लोकल DVR जो है वो तो खैर क्रोम पे चलेंगे नहीं क्योंकि उसमें कोई ऐसा उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं बना के रखा है भी जो हमारे जो है मतलब क्रोम में चल सके। अगर CP+ धोवा या पैनासोनिक या हिकविजन जैसी ब्रांड्स की बात करें तो उनका जो है मतलब वो है क्रोम के लिए एक्सटेंशन, और उसको जैसे हम जो है IP अगर अपने DVR अपने स्क्रीन में खोलते हैं तो वो क्या होता है स्क्रीन में खोलते ही मतलब जो है सीधे ही
एक कुछ एन टापी कुछ ऐसा कुछ लिखा आता है, और वहाँ पे जाके जैसा जैसा वहाँ लिखा आता है वैसा वैसा इनेबल कर दें तो वो चल पड़ता है। खैर अब तो जो नए DVR आ रहे हैं, XVR जिसको बोलते हैं, वो तो बिना एक्सटेंशन से उसके अंदर ऐसी स्ट्रीमिंग होती है तो वो अपने आप ही जो है क्रोम में चल पड़ते हैं। तो इस तरह से है उनकी सेटिंग। और प्रिंस हकूमतपुर जी पूछ रहे हैं, सर NVR में IP कैमरा 2 सेकंड बैक चल रहा है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, हमें भी प्रॉब्लम आई है कई बार। तो इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला भी, जो नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी मान लो अगर ये कैमरा IP है और मल्टीपल IP कैमरा लगा रखे हैं और NVR में जो कैमरा है वो थोड़ा लेट आ रहा है, तो हमारी जो नेटवर्क स्ट्रीमिंग है यानी कि जो बैंडविथ है वो कम है स्विच में। यानी कि जो स्विच होता है, जैसे आप 5 पोर्ट होगा 8 पोर्ट होगा, उसमें ज़्यादातर लिखा आएगा भी इसकी बैंडविथ क्या है मतलब। और जो हमारा NVR होता है उसकी भी बैंडविथ होती है, कितनी इनकमिंग कितनी आउटगोइंग, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। दोनों चीज़ों को जो है मैच करना पड़ता है। यानी कि एक स्विच में अगर हम कैमरे लगाते हैं, तो अगर मान लो 100 Mbps का स्विच है तो हम उसका 50% ही यूज़ करेंगे। अगर मान लो हमने 100 Mbps का स्विच लगाया और उसमें 4-4 MP के कैमरे लगा दिए हैं, और एनकोडिंग में आप देखते होंगे वहाँ पे 8 Mbps 6 Mbps तो के हिसाब से जो है स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है स्ट्रीमिंग। तो उसका कैलकुलेशन जो है हमारे स्विच की Mbps के से कम होना चाहिए, 50% तक ही होना चाहिए। यानी कि अगर मतलब जैसे मान लो अगर 100 Mbps का स्विच है तो उसमें 50 Mbps जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और उसमें 50 Mbps कितने पोर्ट यूज़ करने के बाद होगी कंज्यूम, तो उस तरह से कैलकुलेशन करके जो है हमें जो है उतने ही कैमरे या उतनी Mbps को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा कैमरा जो है लेट नहीं होगा, बिल्कुल लाइव बढ़िया चलेगा। तो और वायर भी अगर हम अच्छी नहीं यूज़ करते हैं, जैसे मान लो D-Link आती है इसमें अच्छी क्वालिटी में, कई D-Link डुप्लीकेट आती है या लोकल ब्रांड्स भी आती हैं अब तो मार्केट में जैसे मान लो, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो कॉपर वाली जो बढ़िया D-Link या C+ या फिर और फिनोलेक्स या स्नाइडर वगैरह जो इस तरह की अच्छी कंपनी है उनकी लैन केबल यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। सिमरनप्रीत जी का सवाल है, सर यूबीक्यूटी टावर कनेक्ट दूसरे टावर किया CC पर कैमरा 2 मिनट वास्ते कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो जाने की प्रॉब्लम है। तो 2 सेकंड के लिए जो कैमरा है वो ब्लैक है, तो रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से लाइव चल रही होगी, और लेकिन जो कैमरा अगर मान लो कभी छोटा है, जैसे मान लो हम मल्टीपल्स कैमरा देख रहे हैं तो कोई कैमरा है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है ब्लैक हो जाता है 2 सेकंड के लिए, क्योंकि इतने Mbps DVR यूज़ कर रहा होता है, तो वो एकदम से किसी DVR को शो करने के लिए लाइव शो करने के लिए उतने Mbps खींचेगा तो उसको 1-2 सेकंड तो लगेंगे। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जैसे इंडिगो DVR में, या फिर मान लो हमारे एस्ट्रा DVR में, या और जो चाइनीज़ DVR हैं उन सब में ये प्रॉब्लम आती है। और स्ट्रीमिंग की अगर हम क्वालिटी मेंटेन रखें, एनकोडिंग सब कुछ प्रॉपरली चेक करें भी कितना इनकमिंग आउटगोइंग DVR की है और स्विच हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। लेकिन IP में थोड़ा सा ये लैग आता ही आता है भी, मिनिमम 1 सेकेंड तो कैमरे को खुलने में लगता ही लगता है, मतलब एनालॉग में ऐसा नहीं होता है, उसमें तो जस्ट क्लिक करो उसी टाइम कैमरा बड़ा हो जाता है और ब्लैक स्क्रीन तो आती ही नहीं, बट IP में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसमें 1 या 2 सेकंड का थोड़ा वेट आता है, बट अगर हम स्ट्रीमिंग और एनकोडिंग प्रॉपरली सेट करें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर हम मान लो अदर जैसे DVR है हमारा, उसमें अलग अलग कंपनी के कैमरे जुड़ते हैं NVR में, तो अगर सेम कंपनी का और सेम सीरीज़ का जैसे कॉस्मिक है इंडिगो है, तो इस तरह से अगर सेम सीरीज़ का कैमरा लगाएं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, या धोवा या C+ इनका मैच करें आपस में, इनका प्रोटोकॉल होता है जो सेम कंपनी के NVR को सेम कंपनी के कैमरे के साथ जो है मैच करता है, तो वो जल्दी जल्दी खुलेगा। और अगर कंपनीज डिफरेंट रहती है तो थोड़ा सा लैग करता है, 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा और कई बार तो 5-5 सेकंड भी लगता है। हमने क्या किया था, एक कॉस्मिक मतलब DVR था हमारा 32 चैनल का NVR,
और उसमें क्या किया हमने 10 आईपी कैमरे लगाए मतलब सीपी प्लस के, तो वो बढ़िया चल रहे हैं। एक दो हमारे धोवा के भी थे, और इवन हमने 4 MP जो है एक एक्स्ट्रा रेड सीरीज़ का एक्स्ट्रा जो है सी प्लस का वो कैमरा लगा दिया आईपी 4 MP। तो हुआ क्या, उसको अब 3 सेकंड लगते हैं उसको बड़ा करने के लिए, मतलब वैसे तो चल रहा है बट कई बार हमने जैसे उसको टूरिंग पे रखा हुआ है, तो टूरिंग पे रखते हुए क्या हुआ भी, मान लो अब 4-4 कैमरे आ रहे हैं, अचानक जब वो 4 कैमरे आए तो 3 ही कैमरों की वीडियो दिखाई दे रही है, चौथा अभी वेट आ रहा है, लगभग 2 या 3 सेकंड बाद जो है उसकी फ़ोटो नज़र आ रही है। तो वो ऐसा होता है मल्टीपल कंपनीज़ का, अगर हम यूज़ करते हैं कैनवीआर में तो थोड़ा सा लैग करेगा, बट रिकॉर्डिंग सही ढंग से हो रही होती है, और कई बार तो रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा लैग करेगा अगर हमारा नेटवर्क बैंडविड्थ हमने सही ढंग से नहीं किया। और SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क, सत श्री अकाल जी, ये मेरे मतलब जो है एक तरह से मतलब मेरी मतलब फैमिली रिलेशनशिप है इनके साथ, और ये मेरे भाई लगते हैं, और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ आप हमें देख रहे हैं, और सत श्री अकाल जी। और लुधियाना में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फैब्रिकेशन का, और जैसे फाइबर की शीट्स होती हैं और मतलब स्टील का काम और लोहे का काम थोड़ा थोड़ा करते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बाकी फाइबर शीट्स का काम ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं लुधियाना में। अगर आप में से कोई लोग उस इलाके के हैं जो लुधियाना के आसपास हैं, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह के काम की, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन लिखा हुआ है, इनके चैनल में आप जाएंगे और वहाँ पे आपको जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरह से जो है मतलब ये लुधियाना में जो है काम करते हैं। अंशुल वर्मा जी कहते हैं, सर ये जो आपने बैंडविड्थ बताई NVR और स्विच की, उसमें बैंडविड्थ का क्या रोल होता है? तो मैं वही बता रहा हूँ, बैंडविड्थ का रोल यही होता है भी, जो अब मान लो कैमरा चल रहा है या मान लो हमारी गाड़ी चल रही है और उसको जो है पूरा रोड खाली मिल रहा है, तो वो फुल स्पीड पर चलेगा, तो जितनी उसकी स्पीड की लिमिट है उस स्पीड पर चलेगा। अगर मान लो वो रोड खाली नहीं है तो इट मीन्स भी वो फिर थोड़ा सा मतलब जो है अपनी उतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा, बीच बीच में झटके मारेगा, या इस तरह से आप समझ लो भी कुछ वीडियो जो है मिस हो सकती है, कुछ ऐसे हरकत हो जाए कैमरे के आगे वो मिस हो सकती है। तो वो रोल जो है बैंडविड्थ का है, और बैंडविड्थ से ही जो है नेटवर्क चलता है पूरा प्रॉपरली, जो है MBPS KBPS जितने भी हैं वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं IP में बहुत ज़्यादा। और अगर छोटा सा प्रोजेक्ट अगर हम लगाने जाते हैं फिर तो कम दिक्कत आती है, और जितना जितना जैसे जैसे बढ़ता है ये IP का नेटवर्क वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और अगर प्रॉपरली अगर हम मतलब प्रॉपरली करें तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। हमने एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैक्सिमम आज तक का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मतलब हमने खुद जो है कम से कम 40 कैमरे लगाए IP, और 2 32 चैनल के NVR लगाए। एक गुरुद्वारा था मणिकर्ण साहिब, आपने सुना होगा मणिकर्ण साहिब, तो वहाँ पे लगाए हमने और वहाँ पे हमने नेटवर्क क्रिएट किया, और फर्स्ट टाइम में ही हमने इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, और पहली बार में ही जो सभी कैमरे जो है बिना लैग किए बिल्कुल बढ़िया चले। CP+ का ही सारा सामान था हमारा, केबल्स और स्विचेस वगैरह, POE स्विच थे अपलिंक वाले, प्रॉपरली हमने जो है कैलकुलेट किया भी एक POE लगाएंगे और एक POE जैसे 8 कैमरे चल रहे हैं तो उसमें अपलिंक से एक तार निकलेगी अगले POE में जाएगी, और फिर हमने मैक्सिमम जो है जैसे 1 Gbps होता है उसमें अपलिंक, तो हमने कैलकुलेट किया भी आखिर 8 कैमरों के लिए अगर देखा जाए तो सारे 4-4 MBPS यूज़ करेंगे तो 32 MBPS हो गया, इस तरह से दूसरे का लोड पड़ा, फिर उस तरह से प्रॉपरली हमने जो स्विच थे वो सारे 1 Gbps वाले यूज़ किए ताकि हमारा जो नेटवर्क है लास्ट तक जो है 1 Gbps वाला रहे। कैमरे को जो है 100 MBPS मिल रहा था लेकिन जो अपलिंक वाले जो थे वो आपस में 1 Gbps में जो है कैलकुलेशन हो रही थी उनकी बैंडविड्थ की, जिसमें कभी भी कोई लैग नहीं आया और बढ़िया से हमारा नेटवर्क चला। आज भी हम आज जो आज संडे है जैसे आज भी हम कहीं काम करके आए हैं तो वहाँ पे हमने ऐसा किया भी हमारे कोई पार्ट मतलब जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट में, जैसे हमारे कस्टमर हैं उनके पास 5-6 कंप्यूटर हैं और IP कैमराज लगा रखे हैं, एनालॉग हैं, DVR लगा रखे हैं 32 चैनल का, तो वहाँ पे भी उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको क्या यही चीज़ हमने सजेस्ट की और इस तरीके से हम काम करके आए हैं। लैन केबल वहाँ पे Cat5 डली थी, सोचो जरा, मतलब अब हम बात करते हैं नेटवर्क बैंडविड्थ थी और वहाँ पे लैन केबल थी Cat5, और उनके कंप्यूटर थे 1 Gbps नेटवर्क वाले,
तो उनको वो 1 GB वैसे वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। एक तो उनके कैमरे भी चल रहे हैं और फिर जो है कंप्यूटर भी हैं और ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग में आती हैं। और हुआ क्या, फिर हमने जो है वहाँ पे सारी केबल्स चेंज की, Cat6Y डाली और सभी कंप्यूटरों में 1 GBPS का नेटवर्क क्रिएट किया। एक स्विच हमने 1 GB ईथरनेट का स्विच लगाया और उनकी नेटवर्किंग फास्ट हुई। उनका जो सॉफ्टवेयर, जो उनका बिलिंग सॉफ्टवेयर था वो बढ़िया, सर्वर से कनेक्टिविटी फास्ट हुई और IP कैमरे में जो प्रॉब्लम सारी थी वो भी सॉल्व हो चुकी। तो इस तरह से जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अगर छोटा मोटा अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसमें तो कम रहती हैं, तो जैसे अगर आप किसी और के नेटवर्क में जाके IP कैमरे लगा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हाँ यार भी पहले तो ठीक था, आपके काम के बाद जो ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। और उसके बाद अगर हम कैमरे नेट यूज़ करेंगे तो अगर मान लो हम ऑनलाइन अगर नेट यूज़ कर रहे हैं और IP कैमरा को हम वॉच करें तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर हमने कैलकुलेशन प्रॉपरली की होगी IP कैमरा का बैंडविड्थ जो है सर्वर तक जो है कितनी रखनी है, कैसे करनी है, सारी सेटिंग्स क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली हो जाएंगी। तो इस तरह से चलता है। और सिमरनप्रीत जी कहते हैं सर IP कैमरा किस होर पासे लगा पर वीडियो होर पासे रहा वे कैमरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, 2 मिनट वास्ते प्रॉब्लम आ रहा है। तो अच्छा 2 मिनट के लिए उनको प्रॉब्लम आ रहा है सर, IP कैमरा किस होर पासे लगाया पर वीडियो होर पासे हो रहा है, कैमरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, 2 मिनट वास्ते प्रॉब्लम आ रहा है, NVR6+ लगाया है। सिमरनप्रीत जी पूछ रहे हैं हमारे को भी IP कैमरा किसी और साइड उन्होंने लगाया है और शायद वहाँ पे सही चल रहा होगा, बट जहाँ पे इनकी साइट है शायद वहाँ पे बोल रहे हैं पे प्रॉब्लम आ रही होगी और स्क्रीन जो है ब्लैंक हो रही है 2 मिनट के लिए। तो अगर 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो रही है तो इट मीन्स भी कैमरा रिस्टार्ट हो रहा है। वो कब कब रिस्टार्ट होता है, जब अंधेरा उसकी पावर वो यूज़ कर रहा है तब रिस्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँ, एक सजेशन मतलब जो है एक बताऊँ, अगर पिंग अगर आप जानते हैं पिंग, जैसे हम मतलब किसी को आप चेक करते हैं नेटवर्क को, पिंग करते हैं, कमांड देते हैं मतलब CMD में जाके, तो उसमें चेक करते हैं भी जैसे मान लो कैमरे का IP एड्रेस है उसे हम जो है पिंग करेंगे अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से, तो वो लगातार पिंग करने के लिए -t लास्ट में लगाएंगे हम। तो उस तरीके से जो है फिर वो पिंग हम चेक करेंगे। तो अगर रेगुलर लिस्ट मतलब लगातार 5-10 मिनट चेक कीजिए आप, उसके बाद पता लग जाएगा आपको भी आखिर कौन सी चीज़ जो है रिस्टार्ट हो रही है। जैसे मान लो ये कैमरा है, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.23 और ये कैमरा जो है 2 मिनट के लिए ऑफ हो रहा है बीच में, तो हम अपने लैपटॉप से इसको पिंग करेंगे कहीं उस नेटवर्क में अपने लैपटॉप को डाल के या भी वाईफाई या लैन से, और चेक करेंगे जो चीज़ रिस्टार्ट हो रही है DVR NVR जो भी चीज़ रिस्टार्ट हो रही है, या हो सकता है कोई स्विच रिस्टार्ट हो रहा हो, राउटर स्विच रिस्टार्ट हो रहा, ऐसे ऐसे जो है पर्टिकुलर जो स्विच राउटर है उनको बारी बारी से चेक करेंगे भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिस्टार्ट हो रही है, उनको जो है पिंग होना कहाँ से बंद हो रहा है, या तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है तब वो पिंग बंद होता है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और इस तरह से एक एक चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा ताकि पता लग सके भी कौन सी चीज़ जो है बंद हो रही है जिसकी वजह से जो है नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से आप पिंग से चेक कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस को आप लगातार एक भी मतलब जो है अलग अलग विंडोज़ खोल के कंप्यूटर में जो है पिंग करेंगे, उससे जो आपको पता लग जाएगा भी हाँ भी आखिर कौन कौन से डिवाइस आपस में कनेक्टिविटी जो है लॉस कर रहे हैं, और फिर जो है वो आपको जो है इसका सलूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे और कुछ कमेंट्स हम और ले लेते हैं। तो एक इसमें यहाँ पे एक हमने एक IP कैमरे की फुल सेटअप वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था भी IP कैमरा किस तरह से लगाते हैं। उसमें एक शायद बादशाह जी हमें कहते हैं भी इनको कुछ समझ नहीं आया, शॉर्ट में बोले तो समझ आ जाता भी, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा जो है अब जैसे मैं बोलूँ भी हाँ ये तार यहाँ वैसा वैसा ये वो, तो एक सिंपल लैंग्वेज में भी मेरे को वीडियो बनानी चाहिए जिसमें जैसे मान लो एक RJ45 लगाया और ये यहाँ पे लगाया, ठीक है जी, और एक मतलब POE ऑन कर दिया तो इस तरह से कैमरा चल पड़ेगा। तो मैं एक कोशिश करूँगा, यहाँ पे हमारे पास सेटअप है अब जैसे मान लो स्पाइडो का है, तो स्पाइडो ये POE कैमरा है, तो इसका हम जो है स्पाइडो कंपनी का ही एक जो है सेटअप वीडियो बना देंगे
पहले होता क्या था, हमारे पास जगह ऊपर ऑफिस था, शॉप में कोई ना कोई आ जाता था, रात को बैठ के जो है वीडियो बनानी पड़ती थी, दिन को तो लोग आते हैं। अब जो है रूम तैयार हो चुका है, तो अब जो है कभी भी जो है हम वीडियो बना सकते हैं। तो मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें जो है एक प्रॉपरली जो है ईजीली बताया जाए भी ये वायर बनाई, इस तरह से कैमरा लगाया और NVR को ऑन कर दिया, तो इस तरह से IP का हम बता देंगे। उसके अलावा और भी अगर आपका कोई सवाल है या CCTV रिलेटेड से कोई क्वारी है या कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद रोहित बिजोले जी हमारे को पूछते हैं भी NVR में माइक और ऑडियो इंस्टॉल करके बताएं, IP बुलेट कैमरा। तो कुछ IP कैमरा ऐसे आते हैं जिसमें आपने देखा होगा, मतलब एक मॉडल है जो सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे मान लो इनबिल्ट ऑडियो है जिसमें माइक है। अब इनबिल्ट ऑडियो वाले कैमरे बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, माइक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कनेक्टिविटी का कोई लॉस नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कंप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो खैर अब तो इनबिल्ट माइक वाले कैमरे आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल ऑडियो वाले कैमरे भी आते हैं जिसमें यहाँ पे एक वायर निकली होती है जिसमें इनपुट लिखा होता है और आउटपुट लिखा होता है। तो इनपुट में हम माइक लगा देंगे, पावर जो हमारी 12 वोल्ट आती है वो उस तरह से पावर दे देंगे, तो हमारा माइक जो है चल पड़ेगा। हमारे पास इनबिल्ट ऑडियो वाला कैमरा शायद है एक दो, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो उसकी बना दूंगा क्योंकि वो भी काम की है। कहीं ना कहीं हमारे को इनबिल्ट ऑडियो वाला कैमरे भी मिल जाते हैं, और फिर वही जो है इनबिल्ट ऑडियो वाला कैमरा अगर मान लो नहीं है तो हम NVR के बैक साइड में हम ऑडियो लगाएंगे, बट वायर हम कहाँ से पेयर लेंगे, वही बात आ गई फिर। RJ45 की वायरें हमने यूज़ की हैं IP कैमरे के लिए, फिर उसमें जो एक्स्ट्रा तारें बजाती हैं उन्हीं को यूज़ करके हम ऑडियो लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ऑडियो लगेगा और लगा के हमें बताना पड़ेगा, तो इसके भी ऊपर वीडियो बन सकती है। तो इनका मैं शुक्रिया करता हूँ रोहित जी का, जिन्होंने हमारे को इस बारे में बताया। उसके बाद कुछ ऐसी एक वीडियो मैंने डाली थी, वाईफाई कनेक्शन फेल्ड, या फिर मान लो हमने IP कैमरा लगाया और चला ही नहीं, मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि ऑन है ऑफ है, या इसका IP एड्रेस क्या है और कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, किस तरह से हम चेक करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग जो इंस्टॉलर हैं उनको तो सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, उनको तो मालूम है, उनको शायद उनको नॉलेज हो जाती है या कंपनी वालों से बात कर करके या कर करके जो है सीख जाते हैं। और जो अभी नए लोग हैं मैं उनके लिए एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। ये सोनू गोयल जी बता रहे हैं हमारे को, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई, 5 दिन पहले ही इन्होंने कमेंट डाला था, तो इसमें भी हम एक वीडियो बना सकते हैं भी। जैसे मान लो हमने, अगर मान लो ये कैमरा नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हो सकता है कई कैमरे ऐसे चाइनीज़ या अलग अलग कंपनी के होते हैं, उनके अलग अलग सीरीज़ होती है, खैर उनके बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे क्या IP एड्रेस है, या उनका कैटलॉग होता है उसमें IP एड्रेस क्या चल रहा है वो लिखा होता है आखिर, बट उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, मतलब एक नॉर्मल बात नहीं है, किसी प्रोफेशनल से ही हो सकता है या जिसको नॉलेज हो, तो वो भी एक प्रॉपरली एक अच्छी वीडियो बन सकती है। जिस तरह से मल्टीपल कंपनीज़ का क्या क्या IP एड्रेस होते हैं, किस तरह से उसको जो है नेटवर्क, मतलब एक तरह से IP का जो वीडियो बात की जाए तो वो बन सकती है। तो पंकज गौर जी कहते हैं क्या इसे डायरेक्ट TV में देख सकते हैं वीडियो पिन से। तो एक हमने जो इजवीज का वाईफाई कैमरा था उसे जो है देखने की बात कर रहे हैं, वो IP कैमरा था, उसमें लैन पोर्ट होता है, और आपको मालूम है अगर लैन पोर्ट है तो वो IP कैमरा है, वो डायरेक्ट जो है हमारे स्विच राउटर से जुड़ेगा। खैर स्मार्ट LED में भी एक RJ45 का कनेक्टर आ चुका है और उसमें भी हम लगा के जो है कैमरा चला सकते हैं, पावर हमें अलग से देनी पड़ेगी, तो लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। बात आ रही है मोबाइल ऐप डाल के जो है एक Android TV में हम IP कैमरे देख सकते हैं और इस तरह से भी मतलब जो है चलेंगे। अब हमारे पास कुछ TVs आए हैं, एक ऑर्डर आया था कहीं TV लगने, तो स्मार्ट TVs में किस तरह से कैमरे ओपन करते हैं, किस तरह से जो है सब चीज़ें करेंगे, उसकी वीडियोस भी नेक्स्ट वीक बन जाएगी, यानी कि एक हफ्ते में या अगले हफ्ते जो है आपको उसकी वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएगी। जो लोकल Android TV आते हैं उनमें जो है कैमरों की ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक विजन IMOU C+ या पैनासोनिक जो नॉर्मली आते हैं, XMEYE जो आते हैं चाइनीज़, इनकी ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे चलाएंगे, तो ये जो है वीडियोज़ बन जाएंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, कई तो हमारे से छूट भी जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर मैं कमेंट्स का कम से कम रिप्लाई तो कर ही देता हूँ, और मैं अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का कमेंट मेरे से रह गया और उनको जवाब सही ढंग से नहीं मिला, तो आप दोबारा पूछ के जो है उसका जवाब मिल जाएगा आपको।
प्रिंस हकुमतपुर जी पूछ रहे थे, सर सिम कॉलिंग के काम करती है और लैन ऑनलाइन, तो अच्छा तो सिम की वजह से जो कॉलिंग होती है और लैन से ऑनलाइन होता है, तो इस तरह से पूछ रहे थे। तो ये थोड़ा जैसे अब बात आ रही ना, अभी हम लाइव कर रहे हैं तो आपस में बात करके जो है साइडिंग से जो है क्वेश्चन को जो है समझ भी सकते हैं, वो भी ऑनलाइन है हमारे साथ। तो प्रिंस हकुमतपुर जी ने क्या पूछना था, बट मैंने उनको जवाब दे दिया, अभी VTH to VTH कॉल होती है फ्लोर वाइज स्टेशन टू स्टेशन। तो अगर इनका अगर भी अभी भी जो है सवाल अगर पेंडिंग है, अगर ऐसा कुछ है तो ये पूछ सकते हैं। एक हफ्ते पहले जो हमने वीडियो डोर फोन की वीडियो डाली थी उसके ऊपर इन्होंने पूछा था, सर सिम कॉलिंग के काम करती है, क्या काम करती है और लैन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो हो जाता है लैन और वैन में, दोनों में वीडियो डोर फोन। और हमारे पास कुछ और फ्रेंड्स हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका नाम मैं लेता हूँ, जिसमें सलीम शेख जी हमारे साथ आए हैं और वो पूछते हैं भी हम कैसे हैं, हाउ आर यू। तो मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और आशा करता हूँ मैं तो ठीक हूँ और वो भी ठीक होंगे। और धाकुर साहू जी आए हैं, नमस्कार जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और अगर आज कोई सीसीटीवी से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और उसके जवाब हम आपस में मतलब जो डिस्कस करके दे देंगे। और कुछ कमेंट्स हम और ले लेते हैं और कुछ ऐसी बातें भी, और हम ऐसा तो एक फैमिली एक रिलेशनशिप बन जाता है, कुछ ग्रुप बन रहा है अभी, कुछ लोग जो है हमारे साथ बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं। और बिजनेस से रिलेटेड या कोई और सीसीटीवी रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अश्विन हिवाले जी पूछते हैं, सर एक रिक्वेस्ट थी, टीपी लिंक का नया वाईफाई कैमरा आया है टेपो 200 मॉडल का, उसका डिटेल रिव्यू बताएं सर। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, उसका वीडियो हमने बना दिया है और आधा वीडियो बना है क्योंकि यहाँ पे इस कमरे की अभी तैयारी चल रही थी कुछ, तो हमने उसको जो है अनबॉक्स कर दिया। बाकी का आगे का जो है मोबाइल पे कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेटिंग्स, उसकी रिकॉर्डिंग, नाइट मतलब क्वालिटी वगैरह जो है आज हम बना देंगे, तो एक दो दिन में नेक्स्ट वीक जो है आपको मिल जाएगी। तो अश्विन हिवाले जी ने हमारे को बताया था एक टेपो का, टीपी लिंक का एक कैमरा आता है टेपो 200, तो अच्छा कैमरा है, अच्छी क्वालिटी है उसकी, हमने चेक किया है। और नॉर्मल जिसे 360 डिग्री कैमरा है उसकी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीक, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं भी, जब से बेस्ट जो है कौन सा कैमरा रहता है, मतलब टीवी कौन सा सबसे अच्छा रहता है, भी जो स्मार्ट टीवी है वो कौन सा सबसे अच्छा है। तो टीवी के मामले में अगर हमारे सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड बात पूछी जाए भी, कौन सा स्मार्ट टेलीविज़न सबसे अच्छा कंपनी का, जैसे LG, सैमसंग और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं मार्केट में, जैसे MI कंपनी है, तो इन सब के टेलीविज़न बहुत अच्छे हैं और सब अपने अपने फील्ड में, सब अपने फीचर्स में बहुत ही बेस्ट हैं। बट हमारे सीसीटीवी के कैमरेज की बात की जाए तो किस टीवी में बहुत अच्छे चलते हैं, हमने सैमसंग में देखा, हमने सोनी में देखा, LG में देखा, तो इनके क्या होते हैं जो ब्रांडेड LEDs होती हैं, इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसमें प्ले स्टोर नहीं होता है, तो प्ले सर्विसेज नहीं होती हैं, तो हमारी ऐप जो है डाउनलोड ही नहीं होती है, या APK फाइल जो हमारी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो उसमें लोड ही नहीं होती है। तो एक स्मार्ट टीवी होता है, एक एंड्रॉयड टीवी होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, एंड्रॉयड भी होता है बट वो फुली एंड्रॉयड नहीं होता, उसमें एक स्पेसिफिक ऐप्स होती हैं जो कंपनीज की तरफ से जो है मतलब खरीदी की होती हैं और वही सिर्फ उस टीवी में चलती हैं। तो हमारे कैमरे से रिलेटेड अगर बात की जाए तो खैर MI का जो टीवी है वो भी इतना अच्छा मतलब जो है उसमें प्ले स्टोर प्रोग्राम पूरा नहीं है, जो हमारी ऐप है वो उनके प्ले स्टोर में है ही नहीं, हमें जो है APK फाइल जो है अपलोड करनी पड़ रही है। लेकिन बात की जाए मतलब परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो है MI की बहुत अच्छी है, मतलब उसमें हमने 16 के 16 कैमरे चलाए और बिना हैंग किए वो LED चलती है। हमने चाइनीज़ है जो LED आती है 1 GB रैम तक, उसमें ट्राई कर चुके हैं, 2 GB रैम वाली तक में हम चेक कर चुके हैं, मतलब 2 GB रैम की जो मतलब क्वाड कोर प्रोसेसर वाली जो LED आ रही है, इवन उसमें भी जो है हमारे कैमरे 2 या 3 कैमरे से ज़्यादा हम उसमें लगातार नहीं देख सकते, वो
ऐप जो हैंग हो जाती है, मतलब प्रोसेसर क्वाड कोर 2 GB रैम फिर भी जो हैंग कर रही है। बट MI की LED का कभी पूछा ही नहीं हमने, रैम कितनी क्या प्रोसेसर, और वो 16 कैमरे चला रही है। तो MI की LED ही लें अगर कैमरे के लिए देखनी है, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है 16 कैमरे चलते हैं। तो ये इनका सवाल का जवाब था भी LED कौन सी अच्छी है, बाकी नॉर्मल LED फीचर वाइज जो है अपने अपनी पसंद की है। उसके बाद दाकोर साहू जी, हमारे से एक हफ्ते पहले पूछा था इन्होंने, सर DVR मर्ज वीडियो बनाओ, 2 DVR को एक डिस्प्ले में P2P में एक डिस्प्ले में देख सकें। तो जो ये सवाल पूछ रहे हैं ये हमारे दिमाग में भी बहुत मतलब टाइम से चल रहा है भी, आखिर मान लो ये कैमरा P2P है या ये DVR P2P है, इसको जियो डोंगल से ऑनलाइन किया है, बट दूसरे DVR में हम उसको कैसे देखें। अभी तक ये सवाल हमने कंपनी वालों से भी पूछा, धवा या C+ वालों से, भाई यार अगर हम क्लाउड ID डाल के किसी कैमरे को जो है दूसरे DVR में ऐड करना चाहते तो इस यह पॉसिबल है, तो उनका जवाब था नहीं, हमें सिर्फ IP एड्रेस के थ्रू ही जो है एक DVR से दूसरा DVR या एक NVR से दूसरे, मतलब NVR को या IP एक दूसरे में जो है शेयर कर सकते हैं। क्लाउड ID P2P से नहीं कर पाएंगे अभी तक, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया। बट अगर मान लो हम IP या पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लेते हैं या शेयरिंग करते हैं तो हम कर पा रहे हैं, और हमने एक वीडियो बन सकती है और हमने आधी बना के रखी है भी, जैसे मान लो एक साइड पे पोर्ट फॉरवर्ड की और दूसरी साइड पे जाके जो है एक DVR या NVR में उस DVR को ऐड किया रिमोटली इंटरनेट से, मतलब जो लोकेशन है वो मतलब एक लोकेशन अलग है, एक लोकेशन बिल्कुल ही अलग है, और एक DVR दूसरे DVR में देखा, और वो भी सिर्फ इंटरनेट की सहायता से। तो वो बहुत अच्छा मतलब जो एक टॉपिक है जिसके बारे में इन्होंने बताया, और उसकी वीडियो हम जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बी सेफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्रोवाइडर जी पूछते हैं, सर ये कैमरा वाईफाई से जियो के डोंगल से कैसे कनेक्ट किया, या आपने आप हो जाता है कनेक्ट? तो इजी कैम जो हमारा आउटडोर कैमरा था उसके बारे में ये सवाल कर रहे हैं भी किस तरह से ये कनेक्ट होता है। तो शायद अब वीडियो में तो हम कनेक्ट करके बताते हैं भाई ये कैमरा है, इसमें हमने यहाँ पे जाके पासवर्ड डाला, इस तरह से मोबाइल पे चला, तो वो वीडियो वगैरह वो सही ढंग से देखेंगे या दोबारा देखने की कोशिश करेंगे तो उनको जो है ये वीडियो के अंदर ही जो है वो जवाब है, प्रॉपरली जियो डोंगल से जोड़ो या किसी मोबाइल हॉटस्पॉट से या किसी वाईफाई से जोड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ कमेंट्स और हमारे पास आ चुके हैं भी, प्रिंस हुकूमतपुर जी पूछते हैं TV बैक TCL 3 ईयर फुल वारंटी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे पास भी चंडीगढ़ से कुछ हमारे इम्पोर्टर थे, बहुत अच्छे मतलब परफेक्ट सोल्यूशन उनका मतलब ब्रांड था, बहुत अच्छे मतलब सप्लायर हैं हमारे, उनके पास TCL के बहुत अच्छे अच्छे प्राइस थे, उनकी जो क्वालिटी हमने देखी TV की कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छे हैं। बट हमने अभी तक ना परचेज़ किया ना बेचा, क्योंकि हम TV कम ही बेचते हैं, और फिर उनके TV की लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब इवन LG सैमसंग को बहुत पीछे कर दिया उन्होंने सोनी को भी, TCL बहुत अच्छी क्वालिटी में दे रहा था 4K रेजोल्यूशन में, बहुत बड़े बड़े TV जो उनके पास हैं। तो TCL एंड्रॉयड एंड TCL मैन्युफैक्चरिंग बाय TCL ओवरसीज, तो TCL खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ऐसा प्रिंस हुकूमतपुर जी ने बताया, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इनका, इन्होंने हमारे सबको जो जो ये वीडियोज़ देखेंगे और देख रहे हैं उनको जो ये जानकारी शेयर की, इसीलिए ही ये चैनल बनाया गया है ताकि अच्छी अच्छी चीज़ों की हम जानकारी आपस में शेयर कर सकें। और दाकोर साहू जी कहते हैं, सर वीडियो दूर से देख डेथ डिजिटल लॉक, सर वीडियो डोर के डेथ डिजिटल लॉक सक्सेसफुल है कि नहीं? सर वीडियो डोर फोन के डेथ डिजिटल लॉक के बारे में तो हमें मालूम नहीं, और अगर ये बोलते हैं तो चेक करके ही हम बता सकते हैं आपको, डेथ डिजिटल लॉक लिखा है इन्होंने, अभी थोड़ा सा मतलब डीथ डिजिटल लॉक है या क्या है द्वारा, अगर ये ठाकुर साहू जी अगर आप पूछेंगे तो यह नॉर्मल डिजिटल लॉक सक्सेसफुल है कि नहीं वीडियो डोर फोन के साथ, तो मतलब लॉक तो बहुत अच्छे चलते हैं सारे जितने भी लॉक्स हैं, लॉक में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, मतलब चाबी से खोलो चाहे बटन से खोलो चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो वीडियो डोर फोन से चलाएं, हर तरह से बढ़िया चलते हैं, क्योंकि जिम्स वगैरह में भी हमने लगाए तो वहाँ तो एक दिन में पता नहीं वो 200 बार दरवाज़ा खुलता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। अंशुल वर्मा जी पूछते हैं, सर नेटवर्क स्विचेस कितने टाइप के होते हैं,
और किस कंपनी के स्विचेस बेस्ट होते हैं। नेटवर्क स्विच लगभग जो है 3 तरह के होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अब वो डीपली मतलब लेयर की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, अगर नॉर्मली हम मार्केट में अपने जो हम नॉर्मल काम करते हैं उसके हिसाब से बताऊँगा। मतलब स्विच 2 तरह के होते हैं, मैनेज और अनमैनेज्ड, जो जिनको हम खुद मैनेज करते हैं जिसमें पूरी सेटिंग हम कुछ चेंज कर सकते हैं, किस तरह से कौन किससे बात कर सके, किस नेटवर्क से कहाँ पे डायरेक्शन जाए, वो मैनेजेबल होते हैं। और अनमैनेज्ड जो स्विच हैं, ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल स्विचेस हम यूज़ करते हैं, जैसे डी लिंक है, टीपी लिंक है, नेट गियर है, और भी बहुत सारी ब्रांड है मार्केट में। अब तो लोकल ब्रांड के स्विचेस आने लग पड़े हैं, लेकिन बात की जाए तो स्विचेस बहुत सारे हैं। सिक्योर आई भी आ चुका है, C+, धोवा, हिकविजन, इनके अपने अपने स्विचेस आ चुके हैं। मतलब क्योंकि मतलब कोई भी कंपनी अगर इंडस्ट्री में आ रही है तो जब डीलर उनके क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट में उन सबको जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। तो अभी जो सबसे पुरानी अच्छी कंपनी जिसकी बात की जाए, डी लिंक जो है अभी मार्केट में है और उनके स्विचेस बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक आज तक। मतलब जितने भी स्विच हमने बेचे कोई ख़राब नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा उनका चार्जर ख़राब होता है और हम उनको चेंज करके जो है दोबारा से चलाते हैं और बढ़िया चलते हैं। और उनके अंदर बैंडविड्थ वूडविड्थ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक आज तक हमारे को, और बढ़िया चलते हैं। और टीपी लिंक में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया चलते हैं। और टीपी लिंक की तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है। कई जगह हमने और भी तरह के स्विचेस यूज़ किए, जैसे कि फाइबर कन्वर्टर वगैरह ये वो, तो वो टीपी लिंक के ज़्यादा अच्छे हैं। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। मतलब और अच्छी अच्छी ब्रांड्स है, जैसे टीपी लिंक और डी लिंक आप यूज़ कर सकते हैं मेनली। और अगर CCTV POE वगैरह यूज़ करना है तो सिक्योर आई सबसे सस्ता ब्रांड है, मतलब ब्रांडेड में। और उसके अलावा लोकल तो बहुत सारे हैं, और डी लिंक टिप लिंक माना जाएगा सबसे अच्छा। प्रिंस हुकूमतपुर बोलते हैं, TCL मैन्युफैक्चरिंग इज MITV इन साइड बॉक्स राइट। मतलब TCL मैन्युफैक्चर कर रहा है MITV को, ऐसा शायद MITV के ऊपर लिखा है, ऐसा प्रिंस हुकूमतपुर जी बता रहे हैं। तो हो सकता है TCL एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो वो किसी अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से अंशुल वर्मा जी ने पूछा था नेटवर्क स्विच किस तरह से होते हैं, प्रिंस हुकूमतपुर जी ने हमारे को बताया। और डाकोर साहू जी हमारे को पूछते हैं, सर वीडियो डोर फोन डेथ डिजिटल लॉक, अब इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी, डेथ डिजिटल लॉक या वीडियो डोर फोन के साथ जो है डिजिटल लॉक, या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लॉक पूछना चाहते थे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया। तो चलो अभी दोबारा अगर वो पूछते हैं, आप हमारे साथ लाइव हैं तो हम उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से आज का दिन चल रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और जिनके ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको हम लेना चाहते हैं, बट समय आज जो है कम है। मतलब काफ़ी थका हुआ हूँ मैं, आज हम काम करके आए हैं, और फिर भी चलो लाइव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो है हम एक CCTV की इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग में अभी मैक्सिमम जो है अभी जितने भी लोग आप सब देख रहे हैं नॉर्थ जोन के होंगे या पूरे इंडिया के कहीं से भी हो सकते हैं, तो एक तरीके से मतलब एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी CCTV की। आने वाले समय में जो है कहीं पे भी कोई ऑर्डर आएगा, कोई क्वेरी अगर हमारे पास आएगी, तो हम आपस में डिस्कस करके, यार भी हमारे नॉन है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है ऑर्डर अगर कुछ आता है तो हम आपस में शेयर करके जो है उसे फुलफिल कर सकते हैं, एक दूसरे को जो है काम शेयर कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है ये काम जो है हमारा अच्छा चलेगा। तो जो जो लोग अभी नए हैं तो कृपया आप जो है हमारे को जो है हमारी वेबसाइट पे जाके जो नंबर है उस पे जो है आप अपना मैसेज करके जो है या व्हाट्सएप करके जो है आप अपना डिटेल हमारे को दे सकते हैं, जिससे जो है अगर आपके एरिया में कोई ऑर्डर आता है तो उसे जो है हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे पास कई लोग जो है अभी जैसे यूट्यूब बनाया वेबसाइट पे, या और भी हम कैंपेन एड कैंपेन चलाते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं एक बताना चाहूँगा, अगर डीलर हैं हमारे साथ तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, वो इंडिया मार्ट पे ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करें। मैं इंडिया मार्ट के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ भी क्योंकि होता क्या है, जब मान लो मैं अगर CCTV लगवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा CCTV डीलर या CCTV
सप्लायर या कुछ भी सीसीटीवी सर्च करूंगा तो उसमें आपकी लोकेशन या आपने अपनी डिटेल्स इंटरनेट पे डाल रखी हैं, जैसे जस्ट डायल है या इंडिया मार्ट है, या आपने वेबसाइट बना रखी है, या आपने कुछ भी इस तरह से अपनी जो है पब्लिसिटी की है, फेसबुक पेज बना रखा है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर बनाएं। उसमें कुछ कुछ जो है आप अपनी डिटेल्स दें, अपना मेन्यू दें, अपने प्राइजेस वहाँ डालें, या अपने कुछ जो प्रोडक्ट्स आप मेनली आप दे रहे हैं, या आप जैसे कोई सीसीटीवी इंस्टॉलेशन देते हैं, कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, या कैमरा इंस्टॉलेशन, या जो भी आप इंटरकॉम का रिपेयर करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है उसमें एक छोटी छोटी फोटो लगा के जो है ज़रूर डालें, ताकि आपको जो है क्वेरीज और जो है बिजनेस जो है वहाँ से मिलता रहे। तो इससे लगभग हमारे 50%, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे 50% नामधारी इन्फोटेक के 50% जो कस्टमर हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही आते हैं। तभी जो है हमने यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि हमारे को पहले से ही जो है हमारे यहाँ पे हिमाचल में जहाँ पे हमारा है बिज़नेस, तो यहाँ पे हमारे को ऑर्डर जो है ऑनलाइन ही आते थे ज़्यादातर। तो इसलिए जो है हमने ये गूगल पे अपना जो है लोकेशन डाली, अपना ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी की डिटेल डाली, मेन्यू डाला, प्राइजेज डाले और प्रोडक्ट्स डाले, तो उससे जो है लोग जो है हमारे साथ जुड़े, रिव्यू लोगों ने दिए, और उससे जो है अच्छा बिजनेस हमारा ग्रो रहा है। तो आप भी जो डीलर हैं या कोई कैमरा लगवाना चाहता है, वो लोकल चेक करके, रिव्यूज़ चेक करके जो है किसी डीलर को ढूंढ सकता है। उसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। आज 9:30 बजे तक हम लाइव करेंगे, उसके बाद जो है मैं एक दो वीडियोज़ बनाऊँगा 10 बजे तक, फिर जो है मतलब आज का दिन ऐसे जाएगा। और नेक्स्ट वीक जो है 8 बजे हम लाइव आ जाएंगे, और 9:30 या 10 बजे तक जो है लाइव की बात करेंगे, और आपके पास पूरे हफ्ते के जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो, सीसीटीवी में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो संडे को जो है हम आप उसमें डिस्कस करके जो है उसका सलूशन निकाल सकते हैं। या कोई आपको लगे भी सीसीटीवी में ऐसा होना चाहिए, या ऐसी जानकारी जो है ऑनलाइन मिलनी चाहिए, या ऐसा कुछ ना कुछ मतलब जो भी आपको लगे भी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करनी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर आके शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंशुल वर्मा जी कहते हैं, सर लैंड केबल को कभी एक्सटेंड करना पड़े तो कैसे करना सही रहेगा, क्या स्विच यूज़ करना सही है या कोई और टेक्निक है? टेक्निक्स तो बहुत हैं, लेकिन प्रॉपरली जो तरीका है वो यही है, भी स्विच लगाओ और जितने मर्जी पोर्ट आगे यूज़ करो। और जैसे मान लो अब यहाँ पे एक लैंड केबल है, हमारी भी एक बार ऐसा हुआ, भी हमारा शटर ख़राब हो गया, उसमें लैंड केबल फंस के जो है टूट गई। अब हमारे एक पीसी में जो लैंड केबल नहीं चल रही थी, हमें उसे एक्सटेंड करना था, मतलब वो बीच से ब्रेक हो गई थी। कई लोग तो जॉइंट करके भी चला देते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं होता, कहीं ना कहीं बाद में जो है चल रहा है, बट कुछ चीज़ें जैसे मान लो हमारी मेल पे जो है फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, कुछ फाइलें अपलोड हो रही थी बट फोटो अपलोड नहीं हो रही थी। फ़ोटो के अंदर हो सकता है भी उसकी कोडिंग या उसका मतलब कुछ ऐसा डाटा होता होगा जो मतलब उस लैंड केबल से जा ही नहीं रहा, जॉइंट की वजह से। सोचो जरा, मतलब जॉइंट की वजह से जो ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भी चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, लेकिन जो है एक छोटे से जॉइंट की वजह से जो है ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मार्केट में एक क्या होता है, गैंग बॉक्स आता है, जिससे हम IO बॉक्स बोलते हैं, RJ45 IO बॉक्स। डीलिंग कंपनी का आता है, शेंजर का आता है, एंकर का आता है, बहुत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उन सब का आता है, हैवल का आता है। एक दीवार में सॉकेट होती है फीमेल की, उसके ऊपर जो है हम जो है लगा देते हैं, क्या बोलते अपना, एक हमारे पास प्लायर होता है, मतलब उसको पंचर होता है, मतलब उसका पंच कर देते हैं उसको वायर को, IO पंच जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो फीमेल जो होता है उसके अंदर जो है एक एक सॉकेट, जैसे टेलीफोन इंटरकॉम का होता है वैसे जो है हम एक एक तार जो है उसमें लगा के जो है आगे उसका फीमेल कनेक्टर लगा देते हैं, इससे जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंड मतलब मल्टीपल अगर वायर्स अगर हमारे को चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेज अगर हमने चलाने, तो वो स्विच ही अच्छा रहेगा। अगर सिंगल वायर, तो सिंगल वायर एक्सटेंड करना है तो हम वो IO जो है यूज़ कर सकते हैं, और उसको फीमेल में लगा के केबल, लैंड केबल को आगे जो है हम एक आगे नई केबल जितनी आप चाहते हैं उतनी लंबी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी लैन केबल जो है एक्सटेंड होती है, उसके लिए मतलब जो है दो तरीके हैं, एक स्विच और एक IO बॉक्स। तो इस तरह से जो है लैन एक्सटेंड होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं आज, और हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ भी क्यों ना मतलब 10 मिनट में जो है मैं आपको एक टूर ही करा दूँ छोटा सा, मतलब भी जो हमारा ये ऑफिस है
और ये जो स्टूडियो हमने छोटा सा बनाने की कोशिश की है, तो ये आपको दिखा देते हैं। जो जो लोग हमारे बहुत अच्छे जो दोस्त हैं, जो जानकार हैं, उनको जो है मैं हम जो है छोटा सा आपका एक लोकेशन जो है टूर करा देते हैं अपने हमारी शॉप की, और जो हमारा एरिया है बाहर का वो सारा हम दिखा देते हैं आपको भी, किस तरह से जो है यहाँ पे हम जो है काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा ऑफिस है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं आज का, आज ये पूरा हमारा लोकेशन जहाँ पे हमारा ऑफिस है और कहाँ कहाँ पे हमारा किस किस तरह से सेटअप है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वायर मैं यहाँ पे पहले इकट्ठी कर लेता हूँ, और मोबाइल जो है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा, मैं कैमरा जो है स्विच कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमने यहाँ पे एक स्टूडियो बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे पर्दे लगाए हैं दोनों साइड, और कुछ यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एक, हमारे पास सबसे पहली जो हमने जिसकी एजेंसी ली थी वो एक कंपनी भी है यहाँ पे। हो सकता है आपको कुछ उल्टा नज़र आ रहा हो, क्योंकि ये कैमरा भी जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया है इस तरह से जो है ये। और ये रूम है, मेरे दादाजी का रूम है, और यहाँ पे बहुत पुराना बिजनेस था, और इस रूम को जो है मैंने चेंज करके जो है अपना स्टूडियो बनाया, जिसमें जो है बैठ के जो है मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाना अभी शुरू कर रहा हूँ। मैं हीटर बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ठंड है हमारे पास हिमाचल में बहुत ज़्यादा, हीटर हमने चलाया है। और इस तरह से हमने देखो स्टूडियो बनाया है, लाइट्स वगैरह प्रॉपरली इसमें लगाई है, और काफ़ी पुराना ये जो जगह है बिल्कुल नीचे रोड के। इस तरह से देखो गली है हमारी, यहाँ पे रेंट पे दे रखी है शॉप्स, और काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इस तरह से जो है सामने हमारी शॉप के, देखो यस बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, और ये चौक है हॉस्पिटल रोड, और हमारी शॉप है जे रोड मंडी हिमाचल में। ये सीपी प्लस की आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे सीपी प्लस का बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पे भी लगा रखा है। तो इस तरह से हमारी शॉप है यहाँ पे, और आपको जो है मैं शॉप के अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आज चाबी नीचे रह गई है, चाबी नीचे रह गई थी, तो मैं चाबी लेने आया हूँ। तो इस तरह से हमारी शॉप थी, और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी शॉप है यहाँ पे, एक देखो सलमान खान का पोस्टर लगा रखा है। ये एसएमएस सीपी प्लस कंपनी के हैं डीलर, हम शुरू से मतलब 7-8 सालों से जो है सीपी प्लस को हम बेच रहे हैं, और ये हमारी शॉप है। यहाँ पे भी लाइटें ऑफ हैं, जहाँ पे जो है मैं वीडियोस जो है पहले शूट करता था। इस तरह से अब कुछ LEDs आ रखी हैं यहाँ पे, 20 LED किसी होटल में लगनी है, सभी लोकल कंपनी की है, दिल्ली से मंगाई हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम वीडियो शूट करते थे, और ये हमारा मतलब शॉप है एक तरीके से। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अभी तो ये भरा पड़ा है, और यहाँ पे जो है हमारा सारा सामान पड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर आपने मेरी सारी वीडियोज़ जो है यहीं पर जो हम बनाते हैं। और इस तरह से जो है हमारी शॉप है आपने देखा, और इसके नीचे ही जो रूम है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी किस तरह से जो है हम अभी स्टूडियो मैंने बनाया है, और वहाँ पे जो है एक ऑफिस सेटअप किया है, जिसमें जो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है, और भी जो लोकल डीलर हैं उनको भी हम प्रमोट करेंगे, उनका बिज़नेस, उनके प्रोडक्ट्स भी जो है ऑनलाइन डालेंगे, और एक बिज़नेस क्रिएट किया हमने, जिसमें जो है जैसे कुछ हार्डवेयर के जैसे
ड्रिल मशीनें वगैरह और वैसा कोई उनका बिज़नेस है उसको जो है प्रमोट करेंगे, ऑनलाइन उनकी सेल करेंगे। हम इस तरह से हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से आज का लाइव था फ्रेंड्स। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने हमें प्यार दिया, इतना टाइम दिया और हमें हर को देखा। तो मैं आशा करता हूँ इसी तरह से जो है, अंशुल वर्मा जी कहते हैं सर ये कौन सा चौक पड़ता है आपके दुकान के पास? तो अभी इस चौक का कोई नाम ही नहीं रखा गया, अभी ये शायद साल दो साल पहले ही बना है। हॉस्पिटल रोड चौक बोलते हैं इसको। वैसे हम जो हमारी मेन लोकेशन है वो है गांधी, मतलब जो ये जो टोटल एरिया है, जो मतलब अगर आप गूगल पे नामधारी इन्फोटेक सर्च करेंगे ना तो आपको जो है सारी लोकेशन मिल जाएगी और डायरेक्शन तक मिल जाएगी आपको हमारी शॉप की। नामधारी इन्फोटेक के नाम से जो है एक ही है फर्म, और वो जो है ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट वहाँ से डायरेक्शन देख के जो है हमारा एड्रेस जान सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स हैं हमारे बारे में। और इस तरह से जो है था, और शॉप में देखो हमारे पास कुछ ब्रांडिंग करके रखी है सी पी प्लस वालों ने। यहाँ पे आप देखते हैं सी पी प्लस की वॉच है, और इस तरह से कुछ सी पी प्लस और अलग अलग मल्टीपल्स कंपनी के, जैसे ज़्यादातर हमारे पास सी पी प्लस के ही प्रोडक्ट्स पड़े हैं। और ये टैपो कंपनी का जो कैमरा आया है इसे जो है आज मैं बनाऊँगा इसकी बाकी की वीडियो। एक विज़न भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इस तरह से स्पाइडो और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पड़े रहते हैं। और हम हमारी वेबसाइट है वहाँ पर हम ये सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, अमेज़ोन पर भी कुछ कुछ कहते हैं। तो इस तरह से था वीडियो सर। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा सबका जो है, जिन्होंने आज हमारे को टाइम दिया, और इतना ही बताते हुए मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।